भाई देखो मेरे तो मजे हो गए एज अ रियल नर्ड फैन, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है भाई। थोड़ा मजा मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मजा आने वाला है इस विंडो को देखने में, इस ट्रांसफर विंडो को देखने में। हर कोई आग लगा रहा है, हर कोई अपनी डेप्थ को तगड़ा करने में लगा हुआ है। जॉर्जिनो टू आर्सेनल, मालो गस्तो टू चेल्सी, पेड्रो पोर्टो टू स्पर्स, कैंसेलो टू बायर्न म्यूनिक। क्या बोला भाई कैंसेलो? ये कब हुआ ये सब सीन? वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक, कब हुआ ट्रांसफर? कब हुआ? हमें कानों कान खबर क्यों नहीं रखी? हमारे तो फुल बैक की मां बहन हो रखी है भाई। मेंडी 2 महीने के लिए बाहर हो गया, इंजर्ड हो चुका है। क्या भाई क्या हो रहा है? ठीक है चलो छोड़ो, बात करते हैं भाई। एक रिपोर्ट आई है, व्लाहोविच अपना फुल टाइम वेस्ट करते हुए भाई, इधर मजा आने वाला है। व्लाहोविच टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने एजेंट को बोल रहा है आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, नेक्स्ट सीजन हम यूसीएल नहीं खेल सकते, वी यूवेंटस भाई आप सबको पता है। ग्वार्डियोल भी अपना फुल टाइम वेस्ट करने पर लगा हुआ, कह रहा है आई वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। रिपोर्ट आई है दोनों की अभी, और कह रहे मुझे अपने करियर में एक नेक्स्ट बिग स्टेप उठाना। भाई कैसे उठाओगे भाई? पैसा तो दूर की बात, हम अप्रोच ही नहीं मार रहे, हम अप्रोच ही नहीं कर रहे। ठीक है करते हैं बात, करते हैं भाई। पर ये दोनों अपना फुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पैसा अपना बचा रहे हैं फॉर बेलिंगम एंड फॉर एम्बाप्पे, ये दोनों अपनी मेन है भाई। ठीक है बात करते हैं, शुरू करते हैं कैंसिलो और बेलिंगम, इनसे शुरू करते हैं। भाई देखो हर कोई अपनी डेप्थ को तगड़ा करने में लगा हुआ है, हर कोई। अब आप डेप्थ सुनो, बायर्न म्यूनिख जैसी टीम की डेप्थ सुनो। राइट बैक की अगर मैं बात करूं, मज़राउई उनके पास ऑलरेडी एक तगड़ा राइट बैक है, पवार्ड एंड सीजन तक उनके पास है एक राइट बैक है। पवार्ड ही ला दो भाई, पवार्ड कोई बुरा नहीं है उनके पास। उन्होंने कैंसिलो साइन कर लिया जो राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों खेल सकता है, डेप्थ देख रहे हो। ठीक है चेल्सी में आ जाओ भाई, रीस जेम्स करके एक वहां दानव है, एक मॉन्स्टर है रीस जेम्स करके, उसके ऊपर कोई भी प्लेयर किसी भी टीम में स्टार्ट नहीं कर सकता फॉर मी। मालो गस्तो उठा के साइन कर लिया। बचपन से एक चीज सुन रहा हो भाई, हम ना कोई प्लेयर साइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई देखो हमारा मेन प्लेयर तो कारवाहाल है, तो उसके ऊपर कोई खेल तो सकता ही नहीं, तो कोई प्लेयर आना ही नहीं चाहेगा भाई, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बेंच रूल। मालो गस्तो कैसे गया? पैसा फेंको सब, पैसा फेंकने से भी पहले अप्रोच दो, अप्रोच कर, अप्रोच ही नहीं कर रहे हम किसी को। फिक्चर्स देख लो हमारे, 2 लिवरपूल से मैचेस हैं, 2 बार्सा से मैचेस हैं, रियल बेटिस पता नहीं किस किस से मैचेस हैं, बीच में क्लब वर्ल्ड कप भी है। हर कोई अपना भाई डेप्थ तगड़ा करने में लगा हुआ, रियल सोसिएडाड के साथ हर कोई बोल रहा बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी, बट किसी ने ये चीज नोटिस करी जब डेनिस सबायोस पिच से निकला, जब मॉड्रिच एज अ सब एज अ डेप्थ हमारी टीम में वो आया, क्योंकि हमें एक गोल निकालना था, हमारा मैच ड्रॉ चल रहा था, क्या हुआ था वो डेप्थ को अगर आप कंसिडर कर रहे हो रियल मैड्रिड की, बहुत तगड़ी डेप्थ है। क्या बोलूं भाई, अगर 38 साल का बेंच से कोई आप, नहीं भाई हमारी पास डेप्थ नहीं है, यही तो कलेश है सारा, फिजिकल कंडीशन अच्छी ही नहीं है, आफ्टर वर्ल्ड कप डेप्थ ही नहीं है। ये सीजन जिसके पास डेप्थ है और हर कोई डेप्थ तगड़ी करने में लगा हुआ है। ठीक है और मजा दिलाता हूं भाई, बहुत मजा आने वाला है। एक बेलिंगम करके एक प्लेयर है, ठीक है बहुत फास्ट प्लेयर है भाई, बहुत फास्ट। इसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट सीजन की प्रायोरिटी है बेलिंगम, उसकी वजह से ना 3 प्लेयर्स हम साइन नहीं कर पाए। 3 प्लेयर, एक तो हो गया अपना स्ट्राइकर, जो पिछले लास्ट समर से भाई चिल्ला चिल्ला के एंचेलोटी बोल रहा है मेरे को एक स्ट्राइकर चाहिए, वहां पे सबसे वीक एरिया है, बेंजेमा बाहर हो जाए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक स्ट्राइकर मेरे को चाहिए, नहीं लिया हमने, मना कर दिया, मूव पे मना कर दिया, ना भाई नहीं दे रहे तेरे को, हम तेरे को सैक करेंगे डायरेक्ट, अब तेरे को सैक करेंगे। मालो गस्तो करके एक प्लेयर है, इतना फाड़ राइट बैक, वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट है भाई, वो हाथ से निकल गया। पेड्रो पोरो करके राइट बैक की बात चल रही है, जूनी कलाफात बहुत बड़ा फैन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था जूनी कलाफात पेड्रो पोरो में, और बहुत फाड़ राइट बैक है भाई। रिपोर्ट भी थी रियल मैड्रिड हैड पेड्रो पोरो ऑन द लिस्ट, जीत गया भाई ये बंदा जीत गया भाई, ये कम से कम लिस्ट पे तो था हमारी, कम से कम लिस्ट पे तो था, क्योंकि वी नेवर मेड एन अप्रोच। ठीक है तो मतलब आप मुझे बेसिकली ये कह रहे हो एक बेलिंगम की वजह से हमने 3 प्लेयर हाथ से जाने दिए, एटलीस्ट एक ना एक प्लेयर तो आता है तो स्ट्राइकर और शायद पेड्रो पोरो आ जाता। ठीक है हमने बेलिंगम की वजह से 3 प्लेयर जाने दिए, चलो जाने दिए, अब मुझे नेक्स्ट सीजन बेलिंगम चाहिए खड़ा, मेरे को चाहिए भाई, बनना हुआ खड़ा हुआ चाहिए, मेरे को चाहिए वो बंदा हर हालत में। नहीं आने वाला, अभी तक नहीं आने वाला, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, ये दिमाग खराब क्यों हो रहा है? अप्रोच कर नहीं रहे, पैसा फेंक नहीं रहे, कोई अप्रोच नहीं है। और बेलिंगम पे भी रिपोर्ट आ गई फैब्रिजियो की कि जिसकी वजह से हम प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे। रिगार्डिंग बेलिंगम फैब्रिजियो बोल रहा है लिवरपूल लीड कर रही है रेस भाई, लिवरपूल लीड कर रही है रेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा बचा किसके लिए रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है चलो 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 ठीक है सबसे, और एक तो बेलिंगम वाला केस अलग करो, एक कैंसिलो वाला मेरे दिमाग में खराब मतलब बैठ ही नहीं रही है बात, हमें खबर कैसे नहीं लगी? खबर तो लगी होगी भाई, हमने अप्रोच कैसे नहीं किया?
मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लोन पे ही लेके आ जाते, आपको साइन नहीं करना था, आप साइन मत करते इस एंड किस एंड तक सीजन के, आप लोन पे लेके आ जाते भाई बेलिंगम को, क्या दिक्कत थी बेलिंगम कह रहा हूं अपने कैंसिलो को। विनिशियस कामविंगा दिखा दिखा के थक गया भाई, एक एक लेफ्ट बैक कैसे चेंज कर सकता है पूरे डायनेमिक्स गेम के, कैसे विनिशियस को सपोर्ट मिल सकता है, कैसे ओवरलैपिंग रन से क्या क्या चीजें हो सकती है, और बेलिंगम कैंसिलो उस चीज में भाई एक्सपर्ट है, बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। राइट बैक फुल बैक राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों खेल के दे सकता, सब सॉर्टेड होता सीन। सिर्फ लोन की बात करो, खरीदने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और फिक्स्चर सबको पता हमारे क्या है, रियल मैड्रिड को हर 3 दिन में एक मैच खेलना है अंटिल द इंटरनेशनल ब्रेक, मतलब मार्च के एंड तक हमने हर 3 दिन में एक एक मैच खेलना है। डेप्थ कहाँ है, क्योंकि अब रोड्रिगो कामविंगा और सेबेयो जो ये 3 प्लेयर जिनको हम एज अ डेप्थ एज अ सुपर सब यूज कर रहे थे, ये तीनों स्टार्टर बन गए भाई। डेप्थ क्या है आपके पास, मॉडरिच है या फिर क्रूज, शायद एक इनमें से एक होगा, कोई कोई ना कोई एसेंसियो, अगर आप डेप्थ को एज अ वो कंसिडर कर रहे हो कि ये बंदा आएगा और टर्न अराउंड कर देगा, जैसे रोड्रिगो आया था सिटी के साथ, जैसे रोड्रिगो आया था चेल्सी के साथ गेम चेंज कर, आप अगर एसेंसियो पे वो इतना काउंट कर रहे हो तो भाई बहुत I don't know. भाई मैंने कल किसी से, मैं शायद वैभव भाई इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं कल आपको बोल भी रहा था कि भाई मुझे इस कार्लो फुल सैक होते हुए दिख रहा है, एंड के सीजन में वो आपको सैक होते हुए दिख जाएगा। प्लेयर्स हम दे नहीं रहे, जिडान को हमने प्लेयर्स दिए नहीं थे, इसको भी हम प्लेयर्स दे नहीं रहे, मुंह पे मना कर देते हम तेरे को प्लेयर नहीं दे रहे, ये तेरे पास लिस्ट है खिला, वरना तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कार्लो मुझे सैक होते हुए दिख रहा है, आपने बोला था कि शायद आपके कॉमेंट आया था वापस कि भाई नहीं यार कैसे सैक होगा, उसको हम उसकी पसंदीदा साइनिंग नहीं दे रहे, जो उसको प्लेयर्स चाहिए रियल मैड में हम उसको वही नहीं दे रहे, तो साग कैसे होगा। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ आफ्टर एल क्लासिको सुपर कोपा फाइनल, पेरेज ने भाई बहुत ज्यादा गुस्से भड़का है, बहुत ज्यादा गुस्से में था, भड़का था कार्लो एंसेलोटी पे और पिंटेस दोनों पे भड़का था, और माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, बहुत टेंस हो गया था माहौल, पेरेज इतना ज्यादा भड़का था, बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसी सिचुएशन कोई बनी है इधर रियल मैड्रिड में ऐसी हुई है, और उसने इमीडिएटली भाई मांगी एक्सप्लेनेशन दो मेरे को, इतना बेकार फुटबॉल फाइनल में अगेंस्ट बार्सिलोना क्या कर रहे हो, मतलब क्या करे कार्लो भी, क्या करे कार्लो भी वहां पे बोल रहा होगा भाई तूने मेरे को मेरे पे साइन करके इन दिया, क्या करूं मैं। और एक और रिपोर्ट देखी होगी लूनिन की, आपने लूनिन हैप्पी नहीं है भाई, समर में वो कंसीडर करेगा कि भाई मैं निकल जाता हूं, मेरे को उधर चांस नहीं मिलता, क्योंकि लूनिन को बोला गया था अगेंस्ट विलरियाल कोपा डेल रे में तेरे को स्टार्ट करवाएंगे, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जस्ट बिफोर द मैच उसमें कार्लो ने बिना कोई बातचीत करे लूनिन से सीधा डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोर्टवा स्टार्ट करने वाला है, और लूनिन का दिमाग खराब हो गया, बहुत ज्यादा पागल हो गया भाई, क्या मतलब मेरे को कुछ बोल रहे हो और स्टार्ट किसी और को करवा रहे हो, और कार्लो की गलती नहीं है, कार्लो तो अपने बेस्ट प्लेयर्स को ही खिलाएगा ना भाई, जॉब इज एट स्टेक भाई, वो तो अपनी अपनी देखेगा ना अपना। दो बातों में बहुत दिमाग खराब हुआ, कैंसिलो वाली बात पे जहां हमें चाहिए था लोन पे आ रहा था आपने नहीं लिया, दूसरी बात बेलिंगम के लिए हमने इतने प्लेयर सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं लाइन से, और लिवरपूल लीड कर रही है रेस। कमेंट सेक्शन में थॉट्स व्यूज जो भी है भाई भर के लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे लिए तो मजे हो गए, आपके भी शायद मैंने मजे करवा दिए होंगे बहुत ज्यादा। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।